ਰਾਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਬਦਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਨੀ ਰਾਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਬਦਿੰਗ ਉਪੋਸਤ ਸੀਲ ਕਾ सातवां सील कुल मिला के जो उपोसत के या उपवास के जो सील हैं वो आठ हैं। आठ नियम हैं जब कोई व्यक्ति या कोई महिला या कोई बच्चा जब किसी विहार में या घर छोड़ के उपवास करता है और वहाँ पे जब अपने पोषक को पोषत को उप उप करता है यानी कि जो वो धम सीख रहा है उसको उपोषण देना है उसको न्यूट्रिशन देना है उसको और मजबूत करना है तो वहाँ जाके विपसना साधना करता है उसको आठ नियम पहले ग्रहण करने पड़ते हैं उनको अठ सील बोलते हैं आठ सील बोलते हैं उपोषत के। उसमें मैंने आपको अब तक छह सील बताए हैं ये सातवां सील है। सातवां सील इस प्रकार है नच गीत वादित विसूक दसना माला गंध विलेपण धारण मंडन विभूषण ठाना वीरमणि सिक्खा पदंग समादयामी। नच गीत यानी कि जब वहाँ वो व्यक्ति रहेगा तो ये काम नहीं करेगा इनसे वेर मणि है व्रत रहना है इनसे अलग रहना है। कौन कौन से हैं नच से यानी कि नाचेगा भी नहीं नाचना देखेगा भी नहीं नाचने की बात भी नहीं करेगा और नाचने का जिक्र भी नहीं करेगा और नाचने का मन में भी नहीं लेके आएगा। और आज की डेट में तो मोबाइल जेब में रहता है तो मोबाइल तो पूरा स्विच ऑफ करके रखना ही है जब तक उपोषित है। उपोषित के समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि मौन भी धारण करना होता है। फिर है गीत ना ही गीत सुनना है ना ही गीत गाना है ना ही गीत को मन में लेके आना है। ये जितनी बातें हैं वो ना तो मन में लानी है ना वचन में लानी है ना कम में लानी है। तो गीत ना गाना है ना सुनना है ना मन में गुनगुनाना है और ना ही मन में गाना है बिना आवाज के। वादित वादित माने बाजा यानी कि आपने कोई बाजा भी नहीं बजाना है हाथ से कहीं टक टक भी नहीं करनी है मुंह से भी कहीं ऐसे भी नहीं करना है या कहीं कोई ताल भी नहीं लगानी है या कहीं कोई आपने मन में भी बाजा लेके नहीं आना है। विसूक दसना विसूक दसना का मतलब है विसूक माने होता है नाटक मंचन यानी जो कलाकार नाटक मंचन करते हैं प्ले करते हैं वो भी नहीं देखना है मन में भी नहीं लाना है सोचना भी नहीं है जिक्र भी नहीं करना है। माला गंध विलेपण यानी माला जो गले में पहनते हैं वो माला है गंध माने कोई खुशबू जैसे लगा लिया सेंट वगैरह वो है और विलेपण का मतलब है कोई तेल वगैरह कोई चीज़ आपने बालों में या शरीर में लगानी यानी माला गंध और विलेपण ये तीनों चीज़ आपने नहीं करनी है धारण नहीं करनी है। मंडन विभूषण मंडन का मतलब है सजावट यानी कि आपने कोई सजावट भी नहीं करनी है कैसी सजावट जैसे आपने सर पे मोर पंखी लगा लिया या आपने फूलों की कोई सर पे कुछ लगा लिया या कान में लगा लिया या अपने वस्त्र पे लगा लिया या कहीं आपने कुछ गूथ लिया या हाथ में ले लिया तो ऐसी भी कोई सजावट मंडन नहीं आपने करना है। विभूषण ठाना विभूषण ठाना का मतलब है कि कोई आभूषण नहीं आपने लगाना है या रखना है यानी कि कोई आभूषण है कोई धागा बांध लिया कोई धागा बांध लिया या कोई मन का है कोई मोती है या कोई ज्वेलरी है कोई भी आभूषण कोई भी विभूषण आपने नहीं स्थापित करना है ठान नहीं करना है स्थान स्थापित नहीं करना है। ये काम ना मन से करना है ना तन से करना है ना वचन से करना है। वीरमणि सिक्खा पदंग समाध्यान यानी मैं इनसे व्रत रहने की इस पद की शिक्षा पे चलने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ ये सातवां है। दरअसल इन चीज़ों का गृहस्थ में तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप गृहस्थ में हैं तो खूब नाचिए खूब गाइए खूब आप तेल लगाइए खूब आप माला लगाइए आभूषण लगाइए विभूषण लगाइए क्योंकि ये पांच सीलों में नहीं आते मगर जब आप ध्यान लगाने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको परेशान करेंगी आपका ध्यान भ्रमित करेंगी क्योंकि अगर आपने कोई आभूषण पहना है तो वो हवा से हिलेगा या खटखट करेगा या उसकी आवाज़ आएगी या उसका वजन महसूस होगा आपको गले पे कहीं अगर होगा तो धागे का आपकी वेदनाएं महसूस होंगी तो आपकी नेचुरल वेदनाएं लाने में दिक्कत आएगी। आपने कोई तेल लगा लिया तो तेल लगाने से स्किन की वेदनाएं संवेदनाएं नहीं आएंगी वो अलग तरह की आएंगी। आपने अगर कहीं कोई गंध लगा लिया आपने या आपने कहीं अगर कोई नाटक देखा या गीत गाने लगे तो आपका ध्यान उधर चला जाएगा फिर आपका ध्यान किसी भी हालत में विपसना में नहीं जाएगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको इसलिए व्रत किया जाता है व्रत करने का और कोई कारण नहीं है कोई कर्मकांड नहीं है कोई ऐसा नहीं है कि इनसे अलग रहने पर कुछ जादू या टोना हो जाएगा और आपको कुछ मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें भगवान ने विपसना में देखी हैं
कि विपस्सना के समय अगर शरीर का एक बाल भी हिलता है, अगर भौं का एक बाल भी हिलता है, पलक भी अगर हिलती है, तो विपस्सना में पता चल जाता है। ध्यान में जब आदमी समाधिस्थ होता है, स्थित होता है, तो ध्यान के समय सारा बिल्कुल जीरो शून्य हो जाता है। उस समय सांस भी बिल्कुल बंद हो जाती है और हार्ट बीट भी कई बार बिल्कुल बंद हो जाती है, कुंभक लग जाता है, बिल्कुल सब कुछ एकदम शरीर के अंदर जीरो शून्य हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक आउट, कहीं कुछ नहीं चलता। ऐसे में अगर जरा सा भी डिस्टर्बेंस होगा तो ध्यान साधना में दिक्कत आएगी, और ध्यान साधना में दिक्कत आएगी तो समता में आने में दिक्कत आएगी, और समता में अगर दिक्कत आएगी तो असमानता आ जाएगी, और असमानता आएगी तो आप व्याकुल हो जाएंगे। फिर तो ध्यान का समाधि का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आप तो शांत होने आए हैं, अगर समाधि आपको अशांत कर देगी तो फिर शांत कहाँ हुए। इसलिए एक एक चीज बहुत अच्छी तरह से चेक करके देख के नियम बनाए गए हैं। कर्मकांड मत समझिए, आप जैसे ही उपोषित करें, जैसे ही उपवास करें, फिर आप चाहें तो जितने नाटक देखिए, जितने गीत गाइए, जितनी माला, जितने विलेपण, जितने गंध, जितने आभूषण, जो आपका मर्जी है वो कीजिए, फिर छूट है आपकी, क्योंकि फिर तो पांच सील आपने अपनाने हैं। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Sing them, sing.
गच्छामि।